हमें कॉमन डिफरेंस पता है, चेक योर फोन, फोन शुड बी ऑन साइलेंट मोड, दोबारा नहीं करना चाहिए फोन की जरूरत। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम एपी की कोई भी टर्म को डायरेक्टली बता सकते हैं। कोई भी टर्म से मेरा मतलब है जैसे एपी होती है, आपके पास कोई गिवन एपी है, मान लीजिए 7, 11, 15, 19, 23, क्या ये एक एपी है? Yes, sir. ये फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, क्योंकि डैश 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 जो है वो ये शो कर रहा है कि ये सीरीज कहीं तक भी जा सकती है। शाकिब उधर ध्यान दो, ये सीरीज कहीं तक भी जा सकती है, तो ये कैसी एपी कहलाती है? अगर डैश डैश ना होता, सिर्फ 23 तक लिखा होता तो मैं काउंट कर सकता था कि 5 ही टर्म्स हैं, तो ये फाइनाइट एपी कहलाती है। उस केस में क्या बोलते हैं इसको? फाइनाइट एपी। यहाँ पर डैश 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 जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं तक भी जा सकती है, तो ये क्या कहला रही है? इनफाइनाइट एपी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी है। मैंने कितनी टर्म्स लिखी हुई है? A1, A2, A3, A4, A5। ऐसे अगर वो मेरे से कहे कि इसकी 10th टर्म बता दो, कौन सी टर्म? 10th। तो A10 से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा 10th टर्म को, और फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? A+19। A कितना रखेंगे? 7। D कितना रखेंगे? 4। 4 का गैप है तो 4। 9 × 4 36। 36 + 7 This will be your final answer for 10th term. तो आपकी इस AP की 10th term directly क्या जाएगी? 43। तो आपको 6 term, 7 term, 8 term और 9 term निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने direct कौन सी term निकाली? 10th term निकाली। ऐसे हम कोई सी भी term निकाल सकते हैं? अगर वो कहे 57th term बताओ, कौन सी? 57। तो क्या लिखे इसको? A+56। A आपको पता? ये आपको पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। yes, ऐसे हमारे से कोई भी टर्म निकालने के लिए कह सकता है, उस कोई भी टर्म को हम क्या बोलते हैं? कोई भी टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कोई भी टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी टर्म को बोलते क्या है? बोलते क्या है? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बोलते क्या है? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बोलते क्या है? ध्यान रखोगे इस चीज का? तो फॉर्मूला क्या आएगा? A+ हर बार 1 कम कर रहे हो ना, जब 10th वाली निकालनी थी तो 9 लिखा था तो 10 - 1 किया था, 57th वाली निकालनी थी तो 56 लिखा था, एक कम कर देते हो, तो nth निकालनी है तो n - 1 कर दोगे, एक कम कर दोगे इनटू d। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया था किसी भी टर्म को निकालने का। किसी भी टर्म को क्या बोलते हैं? nth टर्म। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फॉर्मूला क्या है? लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला लिख लिया था। इस फॉर्मूले में an को हम बोलेंगे nth टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, जो कि हमें ज्यादातर गिवन होगी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला लिख लिया था, उसके आगे ये सारी चीजें और नोट कर ली थी। ठीक है, n क्या है, a क्या है, n क्या है, और एक्सरसाइज 5.2 अपने पास ओपन कीजिए। पहले मेन क्वेश्चंस कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्किप करके डायरेक्ट पहले फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आएंगे, उन्हें भी करेंगे। दोबारा से थोड़े से कॉन्सेप्ट को एक बार क्लैरिफाई, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो देख लेते हैं और कैसे उनका आंसर करना है। एक्सरसाइज 5.2 चल रही, सभी के पास एनसीईआरटी है? Yes, सबके पास है? Yes, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये एपी है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 78। तो एपी आपको गिवन है 3, 8, 13, 18 फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट, क्योंकि डैश 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 है तो इनफाइनाइट। बताओ ए क्या होगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। तो ए तो देखकर पता चल रहा है ना। अब दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल सकते हैं, 8 - 3। किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस करो, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज समझ आ गई सभी को? ठीक है।
नेक्स्ट आपको ए पता चल गया, आपको डी पता चल गया, वो पूछ रहे हैं कौन सी टर्म 78 होगी। तो कौन सी टर्म होगी हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं उसको कि nth टर्म 78 होगी। कौन सी टर्म होगी? nth टर्म क्या होगी? 78। nth टर्म क्या होगी? 78। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछे कि कौन सी टर्म ये होगी, कौन सी टर्म ये आएगी, तो आप उसको क्या मान लो? सिंपली nth टर्म। क्या मान लो? nth टर्म। तो an आपने उसको मान लिया। an का फॉर्मूला बताओ। नहीं पता डी कितना है? मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं एक बार पेन रोक कर देख लेना प्लीज बोर्ड पर। ज्यादातर इस क्वेश्चन में ये फाइव इधर किसमें है? उधर जाकर डायरेक्ट भेज देते हैं, डायरेक्ट नहीं भेजना, क्योंकि फाइव जो है वो सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई में? थ्री के साथ मल्टीप्लाई में। तो पहले थ्री को उधर भेज, सबसे पहला काम क्या करना है? थ्री। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? फाइव को उधर भेज देते हैं, डिवाइड में गलत हो जाता है। तो अपने बेसिक्स क्लियर करके चलो, पहले थ्री को उधर भेजो। 3 इधर प्लस करता उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब भेज सकते हो आप 5 को उधर, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर ये कितना बच रहा था? 78 माइनस 75, 5 उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 15 ही तो आएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा? 16। That means जो 16th नंबर पर टर्म आएगी वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 78। कितनी होगी? 78। कितना नोट कर लो जल्दी से जिसने नहीं किया। किस किस का नोट हो चुका? क्या वेरीफाई कर सकते हैं इसको? बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 16th टर्म निकाल कर देखते हैं 78 आ भी रही है या नहीं। तो a 16 को क्या लिखते हैं? a 15। a कितना है? 15 करने की जरूरत नहीं है, बट ये नोट कर लो कि आपको पता रहे कि आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। कौन सी टर्म निकालनी है? 31st। तो इसको कैसे लिखेंगे? A31। ओके, तो A31st टर्म निकालनी है आपको। इसको वासु क्या लिख सकते हैं A31 को? A plus 30। तो आपको अगर A पता है और D पता है तो आपका काम हो जाएगा, बड़े आराम से ना सॉल्व कर पाओगे। तो आपका सारा खेल किस पर आकर टिक गया? A और B। तो यहाँ पर आगे दिए गए डाटा का यूज करते हैं। उन्होंने कहा है उस 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 गिवन है एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म कितनी है? 73। तो A11 को क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो। A+20 इक्वल्स टू 30। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। A16 को क्या लिखेंगे बच्चों? A+15 इक्वल्स टू 30। ये हुई बच्चों सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। अभी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ये भी शुरू करते हुए कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बनेगी। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे से समझ लेना, पूछ लेना। ओके, चलो। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? ए और डी, दो वेरिएबल्स हैं, दो ही इक्वेशंस हैं, इनको कर लेते हैं सॉल्व। A+10D = 38, A+15D = 73। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन केसेस में बनती है उन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ज्यादातर हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों में पहले क्या आएगा? ए। मैक्सिमम केसेस में स्टार्टिंग में पहले में दोनों में क्या आएगा?
तो उसको ए को एलिमिनेट कर दो, तो दोनों में ए प्लस का है तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट, कितने बच्चे क्या है सब्ट्रैक्ट, ऐड करने से तो प्लस हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम उसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से साइन क्या आ जाते हैं चेंज, खाली ए का या सबका, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस 15d प्लस 10d, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5d, माइनस 73 प्लस 38 करो माइनस 35, माइनस 35 आता है ना, प्लस माइनस करना तो सभी को आता होगा, 10th क्लास में है सब, यहां तक समझ आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा है 5d इक्वल्स टू 35, t equals to 35 upon 5, that is 7. डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करके कितना आएगा 7. अब आपके पास d आ चुका है, अब आप क्या निकाल सकते हैं a, वो इसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो either in first or second, so put d equals to 7 in second equation, that suppose मैं second में पुट कर रहा हूँ, so a plus 15d equals to 73 था, यहाँ पर d की वैल्यू 7 पुट की, 15 into 7 कितना मुश्किल क्वेश्चन है, 15 into 7 105, अभी भी दो तीन बच्चे नहीं बोला, पता उधर जाकर माइनस हो जाएगा कितना आएगा माइनस 32, क्या a माइनस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, a भी माइनस में आ सकता है, d भी आ सकता है, ओके, अब आपको a पता चल गया, d पता चल गया, हो गया क्वेश्चन खत्म, आपको तो क्या बताना था A31, तो अभी आपको A31 बताना है, वो कैसे आप बता सकते हो A plus 30D करके, चलते जाओ साथ साथ नोट समझने के साथ साथ, आसान है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सो A31 इक्वल्स टू A plus 30D, A आया था माइनस 32 प्लस 32 कितना आएगा माइनस करके 178, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब बड़ा होना, ठीक है, चाहे अंडरलाइन करके लिख लेना, बाद में भूल जाते हैं, एक्सीड्स का मतलब है कि बड़ी है, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से बड़ी है, कितना ज्यादा बाय 7, if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि जो 17th term है, गीत कैसे लिखे 17th term को, वैसे नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A17, सिंपल ये लिखते हैं किसी भी टर्म को अगर हमें लिखना होता है, ठीक है, तो A17th वाली जो टर्म है वो 10th term से, 10th term को क्या लिखेंगे A, वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो इसको कैसे रीड करोगे, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7, तो 17th टर्म बड़ी है 10th टर्म छोटी है, कितना डिफरेंस है दोनों में 7, तो इसमें 7 प्लस कर दिया, आप दोनों क्या हो गए इक्वल, तो A17 मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, अगर वो कहता कम है तो माइनस कर देते, उसने कहा एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है तो प्लस कर, अब लिखते हैं इसको, चार कैसे लिखेंगे ए 17 को एक्सपेंड करके, गुड, ए प्लस 16d, कोई दिक्कत इसमें, प्लस कैसे लिखेंगे ए 10 को, ए प्लस 10d या 90, एक कम कर देते हैं, प्लस 7, बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल, 16d, ये 90 इधर प्लस का इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 7, 16d माइनस 90 राइट आंसर है, माइनस हो जाएंगे कितना आएगा 70, सो 70 इक्वल्स टू 7, डी आ जाएगा 7 अपॉन 7, दैट इज कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, कॉमन डिफरेंस आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, देखो कितना आसान है, चैप्टर बहुत इजी है, ये थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, थर्ड टर्म कितनी दी गई है 4 और नाइन्थ टर्म दी गई है आपको माइनस 8, विच ऑफ द विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो आपको ये बताना है कौन सी टर्म 0 होगी,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो आज क्वेश्चन किया था हमने कि जिस भी टर्म को बताना होता है कि ये कौन सी टर्म होगी, 78 कौन सी टर्म होगी, 0 कौन सी टर्म होगी, तो उस टर्म को क्या लेट कर लेते हो, एन, क्या लेट कर लेते हो, nth टर्म। उन्होंने पूछा 0 कौन सी टर्म होगी, तो हम मान लेते हैं an है 0 टर्म, कौन है 0 टर्म, ठीक है। वो पूछ रहे हैं 0 नंबर जो आएगा इस AP को सॉल्व करते करते वो कौन से नंबर पर आएगा, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि वो nth टर्म है जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने कि 78 कौन सी टर्म होगी, तो हमने 78 को क्या मान लिया था, an। इसमें पूछ रहे हैं 0 कौन सी टर्म होगी, तो हम 0 को क्या मान रहे हैं, an। ये बताओ किस किस को क्लियर है ये बात, ये बंडा क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब जो दी गई टर्म्स हैं उनके बारे में लिखते हैं, आयुष के इसको कैसे लिखें, थर्ड टर्म को a3 इक्वल्स टू 4, इसको एक्सपेंड कर देंगे a plus 2d इक्वल्स टू 4। नाइन्थ टर्म को क्या लिखें बच्चों, चलिए हम एक्सपेंड करके a plus 8d इक्वल्स टू माइनस 8। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लेस करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही सॉल्व होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैसे कैंसिल, माइनस 8d प्लस 2d माइनस 6d, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। जब आप साइन चेंज कर देते हैं तो आप चेंज हुए हुए साइन के हिसाब से चलते हैं, पुराने साइन से आपका कोई भी मतलब नहीं होगा, तो प्लस 8 प्लस 4 विल बी 12, तो टी कितना आ जाएगा, 12 अपॉन माइनस 6 दैट इज माइनस, डी आ गया तो ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट डी इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हो, प्लस हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए यहाँ तक किस किसने ठीक कर लिया था, खुद से पूरा ठीक था। लास्ट में आपने क्या करना है, आपको बताना है कौन सी टर्म जीरो होगी, तो आपने ए एन मान लिया था उसका, ए एन को एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 20। आपका ए आया है 8, एन आपको नहीं पता, डी कितना था, माइनस 2, ब्रैकेट जरूर लगाना है, इक्वल्स टू 3। पहले 8 को उधर भेज देते हैं, 8 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। जरा एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये माइनस 2 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन एग्री कर रहा है इस बार, ये माइनस 2 एन माइनस 1 के साथ किसमें, ये मल्टीप्लाई, दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस 2 उधर जाकर क्या बन जाना चाहिए, डिवाइड में आ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर। और मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, माइनस 2 को उधर लिखकर प्लस 2 लिख देता है, गलत हो जाता है ना, तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एन माइनस 1 के साथ वो मल्टीप्लाई में था माइनस 2, क्योंकि उधर जाकर किसमें आएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 फोर सा 8, सो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू, बताओ ये किस किस को क्लियर होगा, ऊंचा दाल उठाओ जरा, किस किस को क्लियर है, व्योम क्लियर है, आयुषी क्लियर हो रहे हैं आपको, वैष्णवी क्लियर हो रहा है, तो आपकी फिफ्थ टर्म कितनी आनी चाहिए, 0। क्या आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, a5 निकाल कर, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो a5 निकाल कर देख लो सर, वेरिफिकेशन, a5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, a कितना है, a, 4 इंटू डी कितना था, माइनस 4 टू 8, 8 माइनस 8, 0, देखो फिफ्थ टर्म आ रही है, नहीं ऐसे वेरीफाई भी कर सकते, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, क्लियर हो रहा है सभी को, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया है, प्लीज कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चंस भी क्लियर है,
एन ए बी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है 50, नंबर ऑफ टर्म्स को डिविजन किससे करते हैं बोलो, इतना मुश्किल क्वेश्चन था, सब कुछ ही गिरा दिया, किससे डिविजन करते हैं एन से, अभी लिखवाया था मैंने, जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने ये बताया था कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, लिख लो, लिखा था उस टाइम, तो खाली लिखना नहीं है, याद भी रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन इज गिवन दैट इज 50, फिर उन्होंने कहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, तो थर्ड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए थ्री से, सो ए थ्री इज 12, नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म यहां पर कौन सी होगी ए 50, ए 50 क्यों होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही कितनी है 50, तो लास्ट टर्म अगर वो कह रहा है तो यानी कि 50th टर्म की बात कर रहा हो, लास्ट टर्म की अगर बात कर रहा है तो सबसे लास्ट में कौन सी आएगी 50th टर्म, तो 50th टर्म को कैसे लिखेंगे ए 50, और ए 50 कितना गिवन है 106, और निकालना क्या है आपको 29th टर्म, तो पहले तो जो निकालना है उसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं, ए 29 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 28, तो सारा केल किसके ऊपर टिका हुआ है ए और डी, ए और डी यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, ए 3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ए 50 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 49, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, यहाँ तक किस किसने ठीक कर लिया था, यहाँ तक तो सभी का हो गया होगा ठीक, तो अब आपने कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखकर सबट्रैक्ट कर देना, एलिमिनेशन मेथड लगा देना, साइन चेंज ए से ए कैंसिल, माइनस 49 डी प्लस 2 डी ये माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल 94 अपॉन 47 कैंसिल हो जाएगा ये 2, डी किस किस में सही निकाल लिया था कार्तिक ठीक, तो ये अब आपको क्या निकालना है ए, तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके ए निकल जाएगा, कितना है ए, ए आपको ए पता चल गया डी पता चल गया सारा केली खत्म हो गया, अब तो वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, ए इज 8 डी इज 2 कितना रहा बताओ किससे सही है, माइनस 150 दी गई है टी सीरीज में आएगा या नहीं आएगा ये बताना, ए की है 11 8 5 2 डैश डैश बताओ इंक्रीजिंग ए पी है डिक्रीजिंग, हर बार डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ऐसी ए पी को हम क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ए पी, तो इसका डी प्लस में आएगा माइनस में, इसका डी कैसा आएगा माइनस, ए कितना रहेगा 11, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई डी निकालते हैं माइनस करके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को, तो 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3, ये डी माइनस 3 किस किस में सही निकाल दिया माइनस में ही आया था सभी का, ध्यान रखना इस चीज का क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं प्लस में लाने के चक्कर में 11 माइनस 8 कर देते हैं, चलो उन्होंने कहा चेक करो कि माइनस 150 है, माइनस 150 इसकी टर्म है या नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि माइनस 150 nth टर्म है, जब हमें कोई टर्म नहीं पता होती तो हम उसको क्या मान लेते हैं an, क्या मान लेते हैं उसको an, सॉल्व करते हैं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 20, a कितना है 11, n हमें नहीं पता, b कितना है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 20, पहले 11 उधर भेजना है कैलकुलेशंस में, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसलिए ध्यान रखना, पहले 11 उधर भेजना है माइनस 3 डायरेक्ट उधर नहीं जा सकता, सो माइनस 150 माइनस 11 कितना हुआ ये माइनस 161, ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड माइनस से माइनस कर, ये कैंसिल हो रहे हैं बस में एन आ जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 164 अपॉन 3 कैंसिल हो रहे हैं
पॉइंट में आएगा आंसर कितना आ रहा है 54.66. बताओ एन क्या था, एन क्या था, नंबर ऑफ का। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है काउंटिंग टर्म्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या काउंटिंग टर्म्स पॉइंट में आ सकती हैं? नो सर। तो ये तो हमारा पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, गड़बड़ गड़बड़ है, इसका मतलब -150 नहीं आएगा, इसमें -150 नहीं है। अगर ये खाली 54 आता, सिंपल नंबर आया था, तो 54 तो एक काउंटिंग नंबर है भाई। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में तो हो नहीं सकती, और हमारा आंसर किसमें आ रहा है, पॉइंट में, तो इसका मतलब ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, इसका मतलब -150 इस एंटी को बिलोंग नहीं करती। क्लियर है, सबको क्लियर है, लिखो लाइन। सिंस एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर इन दिस केस, सिंस n is not a natural number in this case, hence -150 is not a term of, hence -150 is not a term of given AP, is not a term of given AP. कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर हो गया सभी को, ये भी आपको गिवन है 3, 15, 27, 39। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि क्वेश्चन में एपी गिवन है, तो अगर एपी गिवन होती है ना, तो हमें बार बार डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हर किसी में निकालने की देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो सेम ही आएगा, जो भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो एपी है, तो हमें पहले बार बार कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिखाना पड़ेगा दी गई टर्म्स में, और फिर हमें लिखना पड़ेगा कि ये एपी है, तो ये काम हमारा बढ़ जाता है अगर एपी ना दी गई है। फिलहाल तो क्वेश्चन में एपी गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3। कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल लेंगे, दैट इज 12। वो पूछ रहे हैं कौन सी टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कौन सी टर्म पूछ रहे हैं ना, तो वो कौन सी टर्म, कोई भी टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हो, एएनसी। कौन सी टर्म इसकी 54th term को हम लिखेंगे A54, 54th term से 132 ज्यादा होगी, तो 54th term से 132 ज्यादा होगी। कौन सी term को किससे represent करते हैं, A से। कौन सी term 54th term से 132 ज्यादा होगी, तो condition ये बन जाएगी। बताओ ये किस किस को clear होगी, कोई दिक्कत इसमें, मेरी वहाँ clear है ये conditions। कौन सी टर्म मतलब nth टर्म, तो कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा हो, बस अब तो फॉर्मूला लगाना है, a plus n minus 20, a plus 50, 3d plus 132। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल, क्यों आज b से b कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, तो डबल मल्टीप्लाई B से D कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथ में कौन है, 132। D खाली 53 के साथ है, पूरे के साथ नहीं, पूरे के साथ होता तो कैंसिल कर सकते, चलो N हमें नहीं पता, D हमें पता 12 है, तो 12 रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, बाकी बच्चों को भी आता है मल्टीप्लाई प्लस करना, यही आ रहा है, अच्छी यही आ रहा है, बोल के नहीं रहा, अरे यही आ रहा है, कितना आ रहा है सॉल्व करके, 7। ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 से कैंसिल हो रहा है, अच्छा 2 से तो बता दो,
सही कर दिया कैंसिल आपके हिसाब से। अब 6 से हो रहा है ये कैंसिल, 6 6 का 36, 6 4 का 26। ये 1 उधर जाकर 10 का हो गया, बताओ सही कर दिया आपके हिसाब से। तो n कितना है? 65। क्या कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? n कितना है? 65। That means जो 65th term होगी, जो 65 number पर term आएगी, वो 54th term से कितनी ज़्यादा होगी? 132। देखो final answer, final line। 64th term of the given AP, sorry 65th, 65th term of the given AP, 65th term of the given AP, 65th term of the given AP. Will be 132 more than the will be 132 more than the 54th term 54th term of the given AP 54th term of the given AP. जरा इसको verify करके दिखाओ अपने भी notebook में। A 54 को निकाला होगा, A plus 53 D करके कितना है? 69। जल्दी से बोलो एक साथ। 639। A 65 को निकाला होगा, A plus 64 D करके कितना है? 771। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? माइनस करके देखना कितना आएगा? 132। तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। किस किस को क्लियर हो रहा है अभी? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको क्लियर है? एपी चैप्टर कैसे कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है? आसान लग रहा है? तो सेकंड एक्सरसाइज में तो यही वाला फार्मूला लगता रहेगा, घुमा फिराकर एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन डी वाला, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनती रहेंगी ज्यादातर केसेस में, और आप बस उनको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड लगाकर। जो थर्ड एक्सरसाइज है इसकी, उसमें आपका क्वांटिटी इक्वेशंस बनेंगे, कौन सी इक्वेशंस? और उनको आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, चाहे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। ओके।